नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है एक के लिए दूजी दाल। चिंटी चावल ले चली बीच में मिल गई दाल, कबीर दो ना मिले एक ले दूजी दाल। एक चिंटी अपने मुंह में चावल लेकर जा रही थी, चलते चलते उसका रास्ते में दाल मिल गई। उसे भी लेने की उसकी इच्छा हुई, लेकिन चावल मुंह में रखने पर दाल कैसे मिलेगी? दाल लेने को जाती है तो चावल नहीं मिलता। चिंटी का दोनों को लेने का प्रयास था। कबीर कहते हैं, दो ना मिले एक ले चावल हो या दाल। कबीरदास जी के इस दोहरे का भाव यह है कि हमारी स्थिति भी ऐसी चिंटी जैसी है। हम भी संसार के विषय भोगों में फंस कर अतृप्त ही रहते हैं। एक चीज मिलती है तो चाहते हैं कि दूसरी भी मिल जाए, दूसरी मिलती है तो चाहते हैं कि तीसरी मिल जाए। यह परंपरा बंद नहीं होती और हमारे जाने का समय आ जाता है। यह हमारा मोह है, लोभ है। हमको लोहा मिलता है किंतु हम सोने के पीछे लगते हैं, पारस की खोज करते हैं ताकि लोहे को सोना बना सके। काम, क्रोध, लोभ, यह तीनों प्रकार के नरक के द्वार है। यह आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले। इसलिए इन तीनों का त्याग देना चाहिए। दो ना मिले एक ले दूजी डाल, इस कथन में मुख्य रूप से संतोष की शिक्षा है, जो लोभ मोह आदि से बचने का संदेश है। वृत्त प्रारंभ से जो कुछ प्राप्त है उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि जो प्राप्त होने वाला है उसके लिए श्रम करना व्यर्थ है, और जो प्राप्त होने वाला नहीं है उसके लिए भी श्रम करना व्यर्थ है। अपने समय की हानि करनी है यह समझना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए प्रभु ने जैसी स्थिति में हमको रखा है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है, उसी में हमारी भलाई है। मन के अनुसार न किसी को कभी वस्तु मिली है और न मिलने वाली है, क्योंकि तृष्णा का कामना का कोई अंत नहीं है। हम भगवान को पसंद करते हैं तो क्या मांगते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। कबीर जी कहते, एक ले दूजी डाल, हमारे मन भी चिट्ठी सिखा है, हमारे मन भी चिंटी सिखिया है, हमारे बुद्धि हमारा सारथी है, किंतु इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इस मन के हिसाब से चलते हैं और दुखी होते। अंत एक ले दूजी डाल, अर्थात जो मिल जाए उसे प्रभुत प्रसाद मानकर ग्रहण करे और अधिक की लालसा कदापि न करे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।